हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई लोग। तो भाई आज हम नए मॉडल को लेकर आ चुके हैं भाई, और ये ना फास्ट ग्रोइंग। अगर आपने फास्ट ग्रोइंग करनी है ना, तो इससे बेटर आपको कोई और मॉड मिल नहीं सकता भाई। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आप देखते जाना। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, सीडर हमने एक लगा दिया, नया फील्ड हमने ख़रीद लिया है। और ये देखो अभी अभी सीडर गया है। और ये भाई ये देखो यार, 20 ट्रैक्टर। और साथ में भाई ये ऑगर वैगन बोलते हैं इनको, वैसे तो ट्रेलर ही होते हैं नॉर्मली, लेकिन उनसे ना हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको करके। और एक हमने ये भी बाय किया दोस्तों, फेंडन का ट्रैक्टर है। शायद हमें दो की ज़रूरत पड़े तो मैंने इसलिए बाय किया है। तो अभी हम करते हैं स्टार्टिंग। ये देखो भाई, अभी हमने फर्स्ट लाइन में मतलब पूरा कल्टीवेटर दूसरी तरफ पहुँचा भी नहीं है सीडर हमारा, और इधर की साइड ग्रो हो चुकी है पूरी तरह, हार्वेस्ट भी होने लगी है। और अभी देखना आप कितनी स्पीड से ग्रो हो रही है भाई। ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा ना 10 या 15 सेकंड लगते हैं भाई, साथ में पूरा ग्रो हो जाता है येलो पूरा। अरे यार क्यों लग रहे हो एक दूसरे के साथ में। चलो ये तो निकल गए भाई। और वीडियो दोस्तों पूरा देखना, और अभी हम थोड़े पैसे कमा लें पहले। दोस्तों एक और हार्वेस्टर मैं बाय करने वाला हूँ भाई, एक ये भी सीडर भी एक बाय कर लिया हमने, छोटे वाला बाय किया अभी, और एक हार्वेस्टर बाय करते हैं भाई, नए वाले ही करेंगे। और ये देखो पहले नंबर पे KSIH का है भाई ये, और ये भी भाई जॉन डियर का जो आता है ना बड़े बड़े, वो 13 मीटर की विड्थ वाला हेडर होता है ना, इसका भी सेम ही है भाई, कोई छोटा कुछ भी नहीं है हम यूज़ कर रहे। ये देखो इसकी लुक वगैरह क्या निकल के आती है भाई, और पूरा भाई पूरा चौड़ा हेड है इसका, कोई छोटी मशीन नहीं है जी। टॉप मॉडल में आता है भाई ये हमारा हार्वेस्टर है ना, KSIH का टॉप फ्लैगशिप बोलो आप, फ्लैगशिप लेवल का है भाई हार्वेस्टर। और अभी मैं हमारे नए कल्टीवेटर को भी साथ में लगाने वाला हूँ, और हम एक ही फील्ड में भाई दो हार्वेस्टर लगाने वाले हैं और दो ही सीडर। तो ये हमारा आ गया भाई नया हार्वेस्टर, तो चलो इसको भी स्टार्ट कर देते काम। और भाई मैं भी ना पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ ये ऑगर वैगन को, हमने भी पहले नहीं इसको ट्राई किया है। देखने में तो भाई बहुत ही कूल लगता है ये। और भाई इसको अभी भर लेते हैं। अरे 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 भाई ये क्या हो गया यार, ये तो भाई पहली बार हो रहा है यार। अरे भाई इसकी ना शेप का है चक्कर थोड़ा, मेरे को लग रहा है ट्राइंगल शेप है ना, नीचे से नैरो हो जाता है भाई, तो इसी वजह से ना इसको जब टर्न वगैरह करेंगे ना तो। अरे यार ट्रैक्टर को पहले निकाल लेते हैं भाई, इसका तो यार ख्याल रखना पड़ेगा हमको। अभी इसको निकालते हैं कैसे सीधा करें। अरे यार दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी ना कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है भाई, और भाई फार्मिंग सिमुलेटर में सबसे बड़ा योद्धा हार्वेस्टर होती है। और मैं दिखाता हूँ आपको क्यों होती है, क्योंकि
क्योंकि भाई ये ना कभी नहीं रुकती। अभी तक मैंने जितने भी रेस्क्यू रिकवरी किए ना व्हीकल ऐसे पलटे पुलटे हुए, तो भाई सभी में ना सिर्फ हार्वेस्टर ही काम आता है। ये तो भाई मतलब टैंक ही है भाई, टैंक ऐसे ही नहीं, इसका जो नाम रखा था हमने टैंक, ये काम भी है इसके। ये देखो भाई, और आप कोई सा व्हीकल ले आते भाई, किसी से ये सीधा नहीं होने वाला था। और ये देखो आराम से निकल जाती है, हर एक सिचुएशन उससे आराम से निकल जाती भाई। ये यूज़ करनी चाहिए रिकवरी के लिए। तो भाई अभी हमारा भर चुका है वैगन, और अभी रेट चेक कर लेते हैं भाई। सबसे ज़्यादा इसी में है, पहले नंबर वाले में, और हमारे पास में ही है भाई। तो दोस्तों मैं सीधा इसको ही लेके जाता हूँ यार, ये भी चेक कर लें कि इससे हम डायरेक्ट अनलोड कर सकते हैं या नहीं। ट्रेलर में अगर अनलोड करना होता है वो तो इससे हो जाता है भाई। और अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे चलेगा ये या नहीं चलेगा भाई। ऊपर तो हो रहा है भाई इसका एग्जॉस्ट वाला पाइप, लेकिन दोस्तों मेरे को लग नहीं रहा कि ये चलने वाला है यहाँ पे यार। ऊपर से ट्राई करते हैं शायद ना, बाहर से बाहर निकल। अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे बच गए भाई, नहीं तो हार्वेस्टर लाना पड़ता यहाँ पे। अभी शायद हो जाएगा। अरे क्या हो गया, नहीं हो गया यार, ये तो गलत बात है यार। और तो भाई सभी में ये डल जाता है, यहाँ पे पता नहीं क्यों। और भाई चलो कोई बात नहीं, ये हमने 20 टेक और भाई बाय कर लिया है अंदर से। लुक देखो यार, क्या बात है भाई, क्या बात है। और बाहर से भी देख लो, अभी बाहर से तो क्या ही बात है भाई, ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बो में आता है ये। और भाई डायरेक्ट मैं इसको यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, जैसे जैसे ऊपर से वो डली जाएगा, नीचे से भाई जो हमारा टैंकर भी है वो खाली होता जाएगा, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। और यहाँ पे ना बस थोड़ा सा रह गया था हमारा खाली करने, क्योंकि हमारा वो फुल हो गया था ना ऑगर वैगन। तो अभी मैं ट्रक को लेके आया हूँ भाई। ये ट्रक देखने में मेरे को तो बहुत ही कूल लगा भाई। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हो, आपको लिंक मिल जाएगा भाई डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। 2 GB का मॉड है भाई ये फार्मिंग सिमुलेटर 20 का, और ये लाइट मॉड बिल्कुल नहीं है। हाँ लेकिन चलता भाई ओरिजिनल की तरह स्मूथ है जी, आप चला पाओगे लो पे या मीडियम पे ना, आपके फ़ोन पे आराम से चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और अभी दोस्तों यहाँ पे हम इसको अनलोड कर लेते हैं और देखते हैं यार कितने पैसे मिले। हमने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहुत ही कम समय लगा है, ज़्यादा समय लगा नहीं। और ये देखो भाई 1,33,000 रुपये भाई हमारा एक दिन में नहीं, कुछ घंटों में लगा लो आप। तो भाई ये तो अच्छा है, अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो ना तो आप ये वाला मॉड डाउनलोड कर लो भाई, इससे फास्ट आप कर नहीं पाओगे कहीं पे भी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।